सात वर्ष पहले बंद हो चुकी उज्जैन से फतेहाबाद रेल लाइन का कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। शुक्रवार को रतलाम रेल मंडल के DRM व उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने ट्रेन में बैठकर निरीक्षण किया। जल्द ही रेल मंत्री इस नए ट्रैक का उद्घाटन करने उज्जैन पहुंचेंगे। जल्द ही उज्जैन से फतेहाबाद के बीच बने नए रेलवे ट्रैक पर रेल दौड़ती हुई नजर आएगी, जिसके चलते कई गांव लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही उज्जैन और इंदौर के नए ट्रैक से दोनों शहरों के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। इस ट्रैक के शुरू होने से उज्जैन फतेहाबाद वासियों को अच्छी सौगात मिलेगी। रतलाम रेल मंडल के DRM विनीत गुप्ता और सांसद अनिल फिरोजिया ने ट्रैक का अवलोकन किया और जल्द ही इस ट्रैक पर सफर शुरू होने की बात भी कही। मीडिया से चर्चा के दौरान सांसद फिरोजिया ने कहा कि रेलवे द्वारा ट्रैक की जाँच कर ली गई है। आज उनके निरीक्षण का उद्देश्य कितने ग्रामीण इस ट्रैक की वजह से लाभान्वित होंगे ये देखना है। तारतम्य उज्जैन में भी 12 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन 80% बन के तैयार है और 90% और 10% फिनिशिंग वर्क है। बहुत जल्दी ये सौगात भी लोकार्पित होगी, जनता को समर्पित की जाएगी। आज हम उसका निरीक्षण करके आए हैं, काम भी अव्वल हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और मैंने कुछ सुझाव दिए थे, मैंने वो देखा, मैंने बोला था कि उज्जैन में तीर्थयात्री दर्शनार्थी आए तो उनको लगना चाहिए कि वो उज्जैन आए तो यहाँ शिवलिंग, डमरू और त्रिशूल जो शिव हमारे महाकाल के प्रतीक है तो वो उन्होंने बनाए हैं। और शिवलिंग भी बहुत बढ़िया बनाया है जिसपे फव्वारा लगाया जाएगा, लाइटिंग लगाई जाएगी। जो भी तीर्थयात्री दर्शनार्थी उज्जैन आएगा स्टेशन पे तो वो आते से जब ये सब देखेगा तो उसके मन में एक भाव, धार्मिक भाव तो होगा ही, लेकिन उसको ये लगेगा कि हाँ वो उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में आया है। कब शुभारंभ किया जाएगा? लगभग हम इसको जनवरी में इसका शुभारंभ करेंगे। DRM विनीत गुप्ता ने कहा कि जो भी सजेशन हमें शासन व सांसद जी से मिलते गए हमने उस पर काम किया, जल्द ही मंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। बात रेल मंत्री के आने की तो उनके आने से पहले हमारी तैयारी पूरी है, जो भी दिनांक तय होगी हम तैयार हैं। 250 करोड़ की योजना है और 21 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो मुख्य स्टेशन इसमें फतेहाबाद और उज्जैन जुड़े हैं, बीच में चिंतामन जो एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और एक हॉल्ट स्टेशन लकोटा है। सर, इसमें यात्रियों को किस तरह का फायदा मिलेगा, कितना रूट कम हो रहा है? इससे लगभग 22 किलोमीटर की डिस्टेंस कम होगी और निश्चित ही कम समय में एक अच्छा सफ़र कर पाएंगे। सर, कौन कौन सी कनेक्टिविटी इससे जुड़ी पाएगी? इससे सारा क्षेत्र जो है, जैसे इंदौर से उज्जैन होते हुए फतेहाबाद होते हुए हम रतलाम तक का सफ़र तय कर सकते हैं और इंदौर उज्जैन में वाया फतेहाबाद कुछ मेमू चलाई जाएंगी जिसमें कि एक इस क्षेत्र की ग्रामीण जनता को फायदा होगा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये ट्रैक कब तक मंत्री जी द्वारा खोला जाएगा ताकि इसका लाभ आम जनता को मिल सके। उज्जैन से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।